तुझको इन नींद की तरसी हुई आंखों की कसम, अपनी रातों को मेरे हिजर में बर्बाद न कर। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। एक दिन कह लीजिए जो कुछ है दिल में आपके, एक दिन सुन लीजिए जो कुछ हमारे दिल में है। मुझको तो होश नहीं, तुमको खबर हो शायद, लोग कहते हैं कि तुमने मुझे बर्बाद किया। मुस्कुराती हुई यूं आई है वो मैखाने में, मुस्कुराती हुई यूं आई है वो मैखाने में, रुक गई सांस छलकते हुए पैमाने में। ख्वाब को जज्बे बेदार दिए जाते हो, ख्वाब को जज्बे बेदार दिए जाते हो, कौम के हाथ में तलवार दिए जाते हो। जहमत ना हो तो दर पे जरा चल के देख लो, आया है कोई अपना पता पूछता हुआ। वो घनेरी मस्त जुल्फों की महकती छांव में, गुनगुनाने मुस्कुराने झूमने की रात है। पैदाइश चांदी का चम्मच मुंह में लेकर हो, और होश संभालने के दिनों में हुक्म की तामील करवाने का माहौल देखा हो, तो अक्सर इनकलाब विनकलाब की सूझती नहीं है। और ऐसे लोग तमाम कायदे कानून से बालातर होते हैं। कायदे कानून तो आम आदमियों के लिए होते हैं। शब्बीर हसन खान उर्फ जोश आम आदमी नहीं थे, लेकिन फिर भी आजादी के लिए परचम लहराने वालों में अपना नाम लिखवा चुके थे। परचम स्याही से बुना, काली नीली स्याही जो कागज से जहन तक का सफर तय करती तो लाल खून में उबाल आ जाता। अंग्रेजों के खिलाफ कुछ और नारे फिजा में गूंजते, मुट्ठियां कसती, रगें कुछ और भड़कती। मिर्जा गालिब के बाद कुछ ऐसे शायर गुजरे हैं जिन्होंने मुल्क, जमाना और माहौल को काफी मुतासिर किया है। उनमें एक अहम नाम जोश मलियाबादी का है। जोश 15 दिसंबर 1898 में मलियाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। 1958 में जब उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो वो आखिरी बार मौलाना आज़ाद से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। मौलाना किसी मीटिंग में मसरूफ थे। जोश साहब ने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर एक शेर लिखकर वहां से चले गए। शेर कुछ यूं था, ना मुनासिब है खून खौलाना, ना मुनासिब है खून खौलाना, फिर किसी और रोज मौलाना। जोश साहब ने गजल
नज्म और मरसिये लिखे। उनके पूर्वज आफरीदी पश्तून थे। उन्होंने सेंट पीटर कॉलेज से तालीम हासिल की। 6 महीने के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में भी तालीम हासिल की, लेकिन 1916 में उनके वालिद बशीर अहमद खान के इंतकाल के बाद उनका तालीमी सिलसिला मुनक़ते हो गया। शेर व शायरी उन्हें विरासत में मिली थी। उनके परदादा नवाब फकीर मोहम्मद खान, उनके दादा नवाब मोहम्मद अहमद खान, उनके चचा अमीर अहमद खान और वालिद बशीर अहमद खान, इन सब का ताल्लुक लिखने पढ़ने से रहा। 1925 में जोश साहब ने ट्रांसलेशन वर्क के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया। हैदराबाद में क़याम के दौरान उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद की शान में गुस्ताखी की और एक नज़म लिखी, जिसकी वजह से उन्हें हैदराबाद छोड़ना पड़ा। उन्होंने कलीम नाम से उर्दू का रिसाला निकाला, जिसमें वो खुलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लिखते। उनकी नज़्म हुसैन और इनकलाब ने उन्हें बहुत आला मकाम अता किया और उन्हें शायर इनकलाब कहा जाने लगा। अपने इल्मी व अदबी सफ़र में उन्होंने जंग आज़ादी पर बहुत कुछ लिखा। उनके सियासी लीडरान से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो जवाहरलाल नेहरू के करीबी जाने जाते थे। जोश साहब महानामा आजकल के मुदीर भी रहे। उनके साथियों के लाख मना करने के बावजूद वो पाकिस्तान चले गए और कराची में सुकूनत इख्तियार की। वहाँ उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू की बुनियाद मौलवी अब्दुल हक के साथ डाली। उसी दौरान फैज़ अहमद फैज़ उनके करीब आए। जोश साहब का इंतकाल 22 फरवरी 1982 में हुआ, लेकिन फैज़ साहब का और जोश साहब के ख़ानदान का ताल्लुक रिश्ता हमेशा कायम रहा। जोश साहब की पोती तबस्सुम अखलाक ने अपने दादा की विरासत को आगे बढ़ाया और उन्होंने 1988 में जोश मेमोरियल कमेटी की बुनियाद रखी। कमेटी सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया करती है। उनकी शायरी का पहला मजमुआ 1921 में शोला और शबनम के नाम से शाया हुआ, फिर जुनून हिकमत, फिक्र नसीहत, हर्फ व हिकायत, इरफानी दे जोश और उनकी ऑटोबायोग्राफी यादों की बरात पब्लिश हो चुकी है।
अल्लामा इकबाल ने जोश साहब के बारे में लिखा है, ये नौजवान नहायत ही काबिल और होनहार शायर है। मैंने इनकी तसानीफ को हमेशा दिलचस्पी से पढ़ा है। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, मुसव्विर जज्बात जोश रईस ज़ादे हैं, हकायके आलम और मार्फते बारी ताला में उनके अशार बहुत दिल आवेज होते हैं। बकौल नियाज फतेहपुरी, मैंने हमेशा जोश को अपने अहद का बड़ा अच्छा, बड़ा अहल और बड़ा खुशफिक्र शायर समझा और अब भी उनकी अहलियत का मोतरिफ हूं। सैयद एहतशाम हुसैन लिखते हैं, जोश को इस्तेमाल अल्फाज पर गैर मामूली कुदरत है। उर्दू में कोई शायर ऐसा नहीं जो तशबीहात व सनाए के नफीस इस्तेमाल में उनकी बराबरी कर सके। इनकलाबी शायरी हो या रूमानी शायरी, शायरी बहरहाल एक इनफरादी अमल है। इनकलाब के दौरान जो शायर एहतजाजी हो जाता है तो उसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी ज़ात को इनकलाब के नारे में गुम कर दे। अगर हमें जोश के यहाँ यह कैफियत मिलती है तो उसकी वजह सिर्फ यह है कि उनकी शख्सियत अपने आप को भुलाना नहीं चाहती। और जोश तो क्या, इनकलाबी शायरी का कोई भी नुमाइंदा शायर अपनी शख्सियत को बहर तौर नहीं खोता। हमें दरअसल ये देखना चाहिए कि इनकलाबी शायरी के इजहार में शायर कहां तक अपनी आवाज एहतजाजी बना सका। जोश शायर इनकलाब हैं और इनकलाब का दूसरा नाम शबाब है। वो खुद कहते हैं, काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाब व इनकलाब व इनकलाब। जोश ने बरतानवी साम्राज्य से कभी समझौता नहीं किया, उन्होंने हमेशा उनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। वो सिर्फ कायम शुदा निजाम का परचम ही बुलंद नहीं करते बल्कि नए मैलान का ऐलान भी करते हैं और निजाम नौ का ख्वाब भी देखते हैं। वो हिंदुस्तानी कौमियत की जंग आज़ादी के अलमबरदार भी हैं। जोश की शायरी में नारों का अंदाज भी मिलता है लेकिन ये नारे शायराना कैफियत से खाली नहीं हैं। कभी कभी कौम को जगाने के लिए नारों की जरूरत पड़ती है। जोश की शायरी उसी वक्ती जरूरत को पूरा करती है। नज्म किसान में किसानों के अबतर हालात को जोश इस तरह बयान करते हैं, जिसके बाजू की सलाहियत पर नजाकत का मदार, जिसके बाजू की सलाहियत पर नजाकत का मदार, जिसके कसबल पर अकड़ता है गुरूर शहरयार, सीम उजर नान और नमक आब गजा कुछ भी नहीं, घर में एक खामोश मातम के सिवा कुछ भी नहीं। उठ और जमी पे नया लाला और जार पैदा कर, न आई हो जो कभी वो बहार पैदा कर। जोश यादों की बारात में लिखते हैं, मेरी नमाजें तर्क हो गईं, दाढ़ी मुंड गई, आंसू निकलना बंद हो गए और अब
मैं उस मंजिल पर आ गया जहां हर पुराना एतकाद और हर पुरानी रवायत पर एतराज करने को जी चाहता है। मेरे वालिद साहब को ये रास ना आया। उन्होंने बड़ी नरमी से मुझे समझाया, फिर धमकाया, अगर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने वसीयतनामा लिखकर मुझे भिजवा दिया कि अगर अब भी मैं अपनी जिद पर कायम रहूंगा तो सिर्फ 100 रुपये माहवार वजीफे के अलावा कुल जायदाद से महरूम कर दिया जाऊंगा। लेकिन मुझ पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। सबसे पहले मर्द बन हिंदोस्तान के वास्ते, सबसे पहले मर्द बन हिंदोस्तान के वास्ते, हिंद जाग उठे तो फिर सारे जहां के वास्ते। 23-24 साल तक पहुंचते पहुंचते जोश उमर खय्याम और हाफिज की शायरी को करीब से परख रहे थे। उनके बगावती तेवरों को हथियार बनाकर जोश ने ऐसे शेर कहने शुरू किए जो अपने वक्त में अंग्रेजों से लड़ने का जरिया बने, आम आदमी के नारे बन गए और आजादी के तराने बन गए। हम जमी को तेरी नापाक ना होने देंगे, हम जमी को तेरी नापाक ना होने देंगे, तेरे दामन को कभी चाक ना होने देंगे, जी में ठानी है यही जी से गुजर जाएंगे, जी में ठानी है यही जी से गुजर जाएंगे, कम से कम वादा ये करते हैं कि मर जाएंगे।